हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ जो हम चला रहे हैं उसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस स्कोर का जो पीटी 2019 के लिए जो आर्ट एंड कल्चर का जो कंपाइलेशन है वो, जिसमें साल भर के आर्ट एंड कल्चर में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम देख लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर के हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ के आपको मिल जाएँ। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट नहीं देखेंगे। देखिए, इंडिया का जो म्यूज़िक का म्यूज़ियम है वो थिरुवयरू जो कि तमिलनाडु में है, जो कि बर्थ प्लेस है जो संत त्यागराज जो हैं, जो कि एक कर्नाटिक म्यूज़िक के वन ऑफ द ट्रिनिटी हैं। बाकी के दो ट्रिनिटी कौन है? मुत्तुस्वामी दीक्षित यार और श्यामा शास्त्री जी। इसमें हम देख लेते हैं कर्नाटिक म्यूज़िक। देखिए, बेसिकली कर्नाटिक म्यूज़िक जो है साउथ इंडिया का ही है। इसमें चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, श्रुति, स्वर, राग और ताल। और इसमें जो है मेन जो होता है प्रिंसिपल परफॉर्मर, जो कि एक वोकलिस्ट होता है, जो गायक होता है वही इसमें जो प्रिंसिपल परफॉर्मर होता है। इसके साथ उसको एक अकम्पेनेंट रहता है मेलोडिक, जो कि वायलिन बजा रहा होता है। इसके अलावा मृदंगम या तमूरा। तो ये हो गया आपका कर्नाटिक म्यूज़िक। जो मेन फोकस रहता है कर्नाटिक म्यूज़िक में होता है वोकल पर, मतलब गायकी पर ध्यान रहता है। संत त्यागराज हो गए, मुत्तुस्वामी दीक्षित यार हो गए और आपके श्यामा शास्त्री जी हो गए। ये तीन जो हैं वो ट्रिनिटी हैं अपने कर्नाटिक म्यूज़िक के। जो त्यागराज जी हैं उनका जो मेजर जो है कंपाइलेशन जो वर्क है उनका वो तेलुगु में है और राम जी के प्रेज़ में है, भगवान राम के प्रेज़ में। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चार मराठा राजाओं की जो है वो देखी रीन, जिसमें तुलाज, अमर सिम्हा, सरफोजी, शिवाजी सेकेंड, लेकिन उन्होंने किसी को सर्व नहीं किया। इन्होंने चार राजाओं का वो देखा। जैसे बोला जाता है अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन के बारे में, उन्होंने कितने कितने राजाओं के दिल्ली सल्तनत के वो देखे, ये आप कमेंट करके बताएं हमें। अब आते हैं संत मुत्तुस्वामी दीक्षित यार जी। ये भी साउथ इंडिया के पोएट कंपोज़र थे और इन्होंने वेनिक स्टाइल जो है इनका जो रहे काफ़ी वीणा का, जो कि इम्फेसिस करता था गमा का। ये क्या है मुझे नहीं पता, इतना डीपली हमें देखना भी नहीं है। और इनकी जो कंपाइलेशन है, जो कंपोजिशन है, वो मेनली जो है संस्कृत में है और कुछ जो है वो मनी प्रबलम, जो कि एक मिक्सचर है संस्कृत और तमिल का। मनी प्रबलम जो शब्द है वो आप ध्यान दीजिएगा, ये मिक्सचर है संस्कृत और तमिल का, ये पूछा जा सकता है। फिर आते हैं श्यामा शास्त्री जी। लास्ट ईयर जो है त्यागराज जी पे क्वेश्चन था, ये जो है ओल्डेस्ट हैं, जो ट्रिनिटी में सबसे ओल्डेस्ट यही हैं श्यामा शास्त्री। और ये भी तेलुगु, जो मोर फॉर्मल है तेलुगु उसमें इनका कंपोजिशन रहता है, लेकिन उन्होंने संस्कृत से काफ़ी चीज़ें बोरो की हुई हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ कृति जो है उन्होंने तमिल में भी इन्होंने लिखी हुई हैं। और इनका जो प्रिंसिपल, जैसे हमारे उनका ऋषिराम जी थे, इनकी जो है गॉडेस कामाक्षी हैं, श्यामा शास्त्री जी की गॉडेस कामाक्षी हैं और त्यागराज जी के श्रीराम हैं। देखिए, इंडिया में दो म्यूज़िक हैं, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक, ये दोनों क्लासिकल म्यूज़िक हैं। अब इनमें मेन डिफरेंस यही है, जो कर्नाटिक म्यूज़िक है वो प्योर है ना, और ये जो है इंडिया जो है हिंदुस्तानी का जो हमारा एंशियंट है, प्लस जो अब जब मुगल आ गए पर्जियन इन्फ्लुएंस है इसमें, तो इसलिए इसका नाम भी हिंदुस्तानी पड़ गया। इसके अलावा इसमें जो देखिए नेसेसरी जो है कर्नाटिक म्यूज़िक में पल्लवी, अनुपल्लवी है ना, ये सब होने चाहिए, चरण होने चाहिए, लेकिन इनमें क्या राग हैं। और जो हमारे छः प्रिंसिपल राग हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में इम्प्रोवाइज़ करने की फ्रीडम है, मतलब आप राग में खुद से भी कई चीज़ें डाल सकते हैं इम्प्रोवाइज़ करके, लेकिन ऐसी कोई फ्रीडम कर्नाटिक म्यूज़िक में नहीं है। ये जो मेजर डिफरेंस था। और जो कर्नाटिक म्यूज़िक में पहले बता चुके हैं वो वोकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा रिदमिकली जो है काफ़ी इंटेंस रहती हैं जो कर्नाटिक म्यूज़िक है और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है हिंदुस्तानी के कंपैरिजन। देखिए, इसमें हिंदुस्तानी में बंदिश होती है, विस्तार होता है, अलाप होता है। पुरंदर दास जी जो हैं, पुरंदर दास जी वो जो हैं फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक कहलाए जाते हैं। और वेंकट मुखी स्वामी जी जो हैं वो ग्रैंड थ्योरिस्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक। देखिए, फादर हो गए पुरंदर दास और ग्रैंड थ्योरिस्ट जो हो गया वो वेंकट मुखी जी। और देखिए, इनमें जो इंस्ट्रूमेंट है मृदंगम, वीणा, नादस्वरम, तानपुरा, ये ध्यान रखिए इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, मृदंगम और नादस्वरम और वीणा और तानपुरा। और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में तबला, शहनाई, सरोद, पखावज, सारंगी, ये इम्पॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। देखिए, एक बीसु कमसाले डांस है जो कि एक फोक डांस है, जो कि गॉड महादेश्वर जो कि शिव जी हैं, कहाँ पे होता है ये? कर्नाटका में। ग्रुप डांस है ये विलेजर्स का, फोक आर्ट। तो जो कमेटी है वो कुरुबा गौडा कमेटी या हालू कुरुबा कमेटी, कुरुबा कमसाले से कुरुबा याद कर लीजिए और कर्नाटका याद कर लीजिए, कमसाले कुरुबा कर्नाटका।
और जो महादेश्वर हैं वो महादेव देवों के देव महादेव शिव शंकर हो जाएंगे, तो ये ध्यान लीजिए। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ब्रास मेड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो एक डांस जो सेरेमनी है वो एक ओथ जो दीक्षा जो होती है ना, दीक्षा का पार्ट है ये। जब टीचर जो है कोई स्पिरिचुअल लीडर जो अपने मतलब ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, तो जब वो दीक्षा दे रहा होता है तो उसी का ये पार्ट है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट इतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। छाऊ डांस, देखिए छाऊ डांस जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड में, पिछले साल भी न्यूज़ में था। देखिए छाऊ जो है वो छाया से आया, शेडो से, लेकिन कुछ लिटरेरी फिगर जैसे श्रीकांत महापात्रा जी वो कहते हैं कि ये छावनी से आया है, जो कि आर्मी कैंप है। ये बेसिकली मार्शल आर्ट में इसकी ओरिजिन है। रामायण महाभारत के एपिसोड इसमें कंटेंट जो है रामायण महाभारत या पुराण के एपिसोड से लिए गए हैं। इसके दो तीन वेराइटी हैं इसके, एक आपका सरायकेला, एक आपका पुरुलिया, एक आपका मयूरभंज। ये जो जो जगह हैं, सरायकेला जो झारखंड में है, पुरुलिया जो आपके वेस्ट बंगाल में है, तो उनके ऊपर बेस्ड हैं। ये तीन वेराइटी हो गए छाऊ के। उसमें क्या क्या डिफरेंस इतने हमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो सितारा देवी जो थी कथक की, उन्हें नृत्य सम्राज्ञी बोलते थे, मतलब एम्प्रेस ऑफ द डांस। किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, क्वीन ऑफ इंडियाज कथक। कथक क्या? इंडिया का एक क्लासिकल डांस है। कितने क्लासिकल डांस हैं आप कमेंट करके बताएं मुझे। कथक का मतलब ही होता है स्टोरी टेलर। देखिए इस्लामिक फीचर से भी ये इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। और लेडी जो लीला शौखी जो हैं उन्होंने रिवाइव किया था 20th सेंचुरी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लेडी जो आपकी लीला नोट कर लीजिए। जुगलबंदी जो है कत्थर का इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे वो बोलते हैं ना तकधिनता था जो बोलते हैं, और फिर वो पैरों के मूवमेंट से जो डांसर वो डांस करते हैं, तो ये हो गया। गोतवार जो डांस है वो विदाउट म्यूज़िक और चैंटिंग है। गोतवार ये भी गतवार या गोतवार जो भी बोलते हैं, गतवार बोलते हैं, वो विदाउट म्यूज़िक है। जो जिन्होंने म्यूज़िक पढ़ी होगी वो ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। कत्थक जो अकम्पनीड बाय ध्रुपद म्यूज़िक, और जो कि मुग़ल काल में जो है आपके तराना, ठुमरी और गज़ल ये सब इंट्रोड्यूस हुए थे मुग़ल काल में, इसलिए हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो कहते हैं ना ब्लेंड है, मिक्सचर है। अभी जो फेमस जो परफॉर्मेंट है, प्रोपोनेंट है कत्थक के, वो कौन है? बिरजू महाराज जी, इसके अलावा लच्छा महाराज, शंभू महाराज। एक तरीका जो महाराज जिनके नाम के सामने आए आप लगा सकते हैं कत्थक, जैसे लच्छा महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। अब देखिए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, देखिए जो संगीत नाटक अकेडमी बताती है क्लासिकल डांस क्या होगा, है ना। और इन्होंने 8 क्लासिकल डांस रिकग्नाइज किए गए हैं, भरतनाट्यम, कत्थक, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, कथकली, सत्रीय, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। आइए देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, और इसका मेंशन हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, और अभिनव दर्पण जो है जो नंदीकेश्वर जी ने लिखी है उसमें भी हमें मिलता है भरतनाट्यम का जिक्र। इसके अलावा जो चिदंबरम टेम्पल है तमिलनाडु में, उसके गोपुरम में भी हमें भरतनाट्यम की मुद्राएँ मिलती हैं, पोजेज मिलते हैं। ये एक सोलो डांस होता है, ठीक है, जो कि देवदासी परफॉर्म करती थी, जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन में ये सोलो डांस था और देवदासी। अब तो एक ग्रुप डांस भी होता है, तो ये सोलो और ग्रुप दोनों हैं। देखिए जो इसे एकहर्या भी बोलते हैं, एकहर्या का मतलब ये है कि जहाँ डांसर जो है एक ही आदमी कई सारे रोल परफॉर्म करे, मतलब सिंगल आदमी जो है बहुत सारे रोल परफॉर्म करे, सिंगल परफॉर्मेंस बहुत सारे रोल हों, ये भी बोल सकते हैं एकहर्या। तो एकहर्या इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें इन्वोकेशन मतलब गॉड को बुलाया जाता है, वो अलारिपु, फिर उन्हें फ्लावर अडॉन फ्लावर किया जाता है, ठीक है। इसमें जाति स्वरम, तो जाति स्वरम, अलारिपु, ये सब किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और लास्ट में तिल्लन, ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी बेसिकली डांस ड्रामा है, लेकिन तीन चीज़ें होती हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य। इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कौन ड्रामा है, कौन प्योरली ड्रामा है, कौन डांस ड्रामा है ना, और किसमें इमोशनल इवेंट है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। देखिए कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और सिद्धेंद्र योगी जी ने इसे कंसीव किया था, जो कि एक वैष्णव पोएट थे, जो सिद्धेंद्र योगी जी जो थे। और कुचिपुड़ी को पैट्रोनेज किसने दी? विजयनगर एम्पायर ने और गोलकंडा रूलर्स ने। देखिए इसमें फुटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो है ब्रास प्लेट पे ऊपर और एक घड़ा जो होता है उसमें पानी वाटर होता है वो अपने हेड पे रखी रहती हैं जो डांसर होती हैं, तो इसमें फुटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मृदंगम जो है, मृदंगम, वायलिन और वीणा जो मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं, इसे एक्रोबेटिक डांसिंग भी बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रास प्लेट पे डांसना और खड़ा मटका अपने सर पे रखना। अब जो थीम जो होती है वो लॉर्ड कृष्ण जी होती है, वैष्णविज्म है। अब आते हैं उड़ीसी पे। इसका नाम आया है ओद्रा मगध से, जो कि नाट्यशास्त्र में मेंशन है। कंदरिया, उदयगिरी जो केव हैं वहाँ पे भी अली एग्जांपल मिलते हैं हमें उड़ीसी डांस के।
देखिए इसके दो पोर्शन इंपॉर्टेंट, त्रिभंगा और चौक। त्रिभंगा जो है वो मोर फेमिनिन है और चौक जो है वो आपका मैस्कुलिन है। ये आप गूगल करके इमेज इनकी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उड़ीसी डांस में टॉर्च मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गीत गोविंद जो है जयदेव जी ने लिखी थी, वही इसकी थीम है मैं बेसिकली, यानी कृष्ण लीला और ये सब। इसमें सिल्वर ज्वेलरी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, महरी और गोतीपुआ। महरी जो लेडी डांसर थी जो आपके मंदिरों में होती थी, उसके अलावा जो महरी जो है मेल डांसर को सिखाती थी वो थे गोतीपुआ। तो गोतीपुआ आप ध्यान रखिएगा, महरी और गोतीपुआ ट्रेडिशन किससे हैं, उड़ीसी से रिलेटेड हैं। अब आते हैं कथकली। देखिए कथकली जो है केरला का है ना, वो भी बहुत पुराना एंशियंट है। चक्यार कुटू, कुडियट्टम, कृष्णट्टम, रमनट्टम, ये सब जो है ये रिचुअल हैं केरला के, जिनका इन्फ्लुएंस कथकली पे मिलता है हमें। ये चार नाम अगर आ जाए सिंपल की, चूरी कुट्टू कहाँ का है, कुडियट्टम कहाँ का है, कृष्णट्टम कहाँ का है, रमनट्टम कहाँ का है, तो ये सब केरला के हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए केरला के जो टेम्पल स्ट्रक्चर हैं या फ्रेस्कोज हैं उनमें हमें, और जो फ्रेस्कोज हैं आपके मट्टनचेरी टेम्पल में, वहाँ पर भी हमें इसके बारे में मिलता है डिपिक्शन। ये डांस, ड्रामा और म्यूज़िक तीनों का ही मिक्सचर है। फिर आते हैं सत्रिया पर। सत्रिया क्या है, वैष्णवाइट सेंट सत्तार, एस ए डबल टी ए आर सत्तार। देखिए जो शंकर देव जी थे न्यू वैष्णवाइट, इन्होंने यहाँ पे आसाम में इसे पॉपुलराइज़ किया, न्यू वैष्णवाइट कल्चर। यहाँ हस्त मुद्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसका, ये जितने भी क्लासिकल डांस है ना, दो दो मिनट आप यूट्यूब पे इनके वीडियो देख लीजिए तो आपके ध्यान में रहेगा कौन से डांस में क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मणिपुरी में। देखिए मणिपुरी में जो है शिव और पार्वती जी के डांस और अदर गॉड गॉडेस के डांस है ना रिचुअल या ट्रेडिशनल फेस्टिवल में होता है और मणिपुर से है, ठीक है। और इसमें यह थांगटन की बेसिकली मणिपुर की मार्शल आर्ट है। ये जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो रस जो कि संकीर्तन की है और थांगटा है, जो पांच इनमें रस हैं प्रिंसिपल, जिसमें चार जो हैं वो स्पेसिफिक सीजन से लिंक्ड हैं और पांचवा जो है वो किसी टाइम हो सकता है, जो पांच रस हैं। थीम जो है गोपीज, राधा, राधा कृष्ण वियोग, ये सब हैं इसमें। गीत गोविंद जो जयदेव जी ने लिखी थी उसके जो अष्टपदीज हैं ये बहुत पॉपुलर हैं मणिपुर में। फिर आते हैं जो आखिरी डांस है हमारा क्लासिकल, वो है मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम जो है डांस ऑफ मोहिनी, जब विष्णु जी ने मोहिनी असुर को मारने के लिए, तो उसी से ये डांस आया है, ठीक है। इसमें बहुत फेमिनिन नेचर है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हस्तकला दीपिका, जो कि हाथ के मूवमेंट हैंड जस्चर है, 24 जो कि एक टेक्स्ट है उसके हाथ के मुद्राएँ जो मोहिनी अट्टम में देखने को मिलते हैं, इवन कथकली में भी। और कुछ जो हस्तकलाएँ वो और की है नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण और बलराम भारतम। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो आर्किटेक्चर है स्कल्पचर है। देखिए बादशाही अशूर खाना, ये आगा खान ट्रस्ट है। ये बेसिकली जो है आगा खान, ये एक फेमस ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं रहे हैं, इनके नाम पे ट्रस्ट है ये। ये कांग्रेस, ये मुस्लिम लीग वाले आगा खान ही हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इन्होंने 17th सेंचुरी की जो बादशाही अशूर खाना है हैदराबाद की, उसे रिस्टोर करने का काम जिम्मा लिया है इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। ये 400 साल पुरानी है, वैसे बनवाया किसने था, कुली कुतुब शाह ने, जिसने हैदराबाद इस्टेब्लिश किया था और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर बना था हैदराबाद का। ये बेसिकली हाउस ऑफ मॉर्निंग था, ये मतलब जो शिया लोग जो हैं गम मनाते ना इमाम हुसैन साहब जो इनके हैं मुहर्रम के महीने में, तो ये मॉर्निंग मतलब शोक का घर था। तो इसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया और इसे बंदी खाना में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो है मुतव्विल मीर नवाजिश अली खान जो थे उन्होंने जो है इसे दोबारा रिस्टोर किया। अब कुली कुतुब शाह जो है गोलकंडा ने कुतुब शाही डायनेस्टी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ये पहले सुल्तान थे, इन्होंने चार मीनार भी बनवाया था, ठीक है। और ये कंटेम्प्रेरी किसके, तुलसीदास मीराबाई और सूरदास जी के कंटेम्प्रेरी थे, तुलसीदास जी मीराबाई और सूरदास जी के कंटेम्प्रेरी था ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जो टैवर्नियर हैं जो कि आया था इनके रीन में, जो कि जहांगीर इसने कुतुब शाही जो कॉम्प्लेक्स था उसे विजिट किया था, उसके बारे में इसने टैवर्नियर ने लिखा था। देखिए बर्नियर और टैवर्नियर दो आए थे, तो एक उसमें डॉक्टर था एक ऐसे ही था, तो कौन डॉक्टर थे आप कमेंट करके बताएं। खिड़की मॉस्क, देखिए खिड़की एक्सटेंशन आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में जो है
यहाँ पे 2-3 साल पहले जो है जो ब्लैक्स से नाइजीरियंस वगैरह अफ्रीकन को यहाँ पे लोगों ने काफ़ी परेशान किया था, बोला था कि ये लोग सेक्स वर्क कर रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ब्लैक्स के खिलाफ हिंसा हुई थी। यहाँ के एमएलए ने भी, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने भी, तो सेम ही नियम ऐसा। खैर यहाँ ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे खिड़की मॉस्क में जो है 250 से ज़्यादा कॉपर कॉइन मिले हैं। तो खिड़की मॉस्क कहाँ, नई दिल्ली में है। आज के सर ऑफ इंडिया जो है 1861 ने किसने स्टार्टअप किया था, सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने। देखिए खिड़की मॉस्क बनवाई किसने थी, खाने जहान जुनान शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज शाह तुगलक के, बेसिकली फिरोज शाह तुगलक का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने बनवाई थी, और नाम जो भी हो जुनान शाह नाम था। अब आते हैं बाबा बुदन दरगाह। देखिए बाबा बुदन दरगाह जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो श्राइन है वहाँ पे। देखिए कुछ लोग कहते हैं गुरु दत्तात्रेय जी का है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बाबा बुदन जी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो बाबा बुदन है वो दत्तात्रेय जी का ही स्वरूप है। तो हिंदू और मुस्लिम के लिए दोनों ही लोग यहाँ पे पूजा करने जाते हैं। एक 11th सेंचुरी में दादा हयात थे, दादा हयात मीर कलंदर। तो उनके बाद आए आपके बाबा बुदन, और हिंदुओं का मानना है कि वो दत्तात्रेय स्वामी जी हैं, जो कि शंकर जी के अवतार हैं, जो कि वैष्णवाइट और शैवाइट और शाक्तिज्म सबको एक करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है। बाबा बुदन गिरी हिल्स देख लीजिए आप, इन्हें दत्तागिरी हिल भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे, चिक कर्नाटक में कॉफ़ी प्लांटेशन की शुरुआत हुई थी, यहाँ आयरन और माइनिंग भी होती है। अब बागे नया किला, देखिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यूज़ करके आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है गोलकुंडा फोर्ट में बागे नया किला को एक्सकवेट करना शुरू किया गया है। ये कई रूल डेक्कन के रूलर ने बनवाया था, और सिमेट्रिकल गार्डन्स हैं गोलकुंडा फोर्ट में। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है, हैदराबाद, कुतुबशाही डायनेस्टी। देखिए गोलकुंडा फोर्ट बनवाया किसने था, गोलकुंडा फोर्ट जो बनवाया था वो आपका काकतीय डायनेस्टी ने, और किसके लाइन पे, कोंडलपल्ली फोर्ट पे। रानी रुद्रमा देवी का नाम सुना होगा, स्त्री शक्ति पुरस्कार जो इंडियन गवर्नमेंट देती है उसमें एक नाम जो है रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार के नाम से भी दिया जाता है। और उनके सक्सेसर जो प्रताप रुद्र थे, इन्होंने दोबारा से इसे मरम्मत मरम्मत कराई थी, स्ट्रेंथन किया था। और जो एक मुसुनुरी कपैया नायडू थे, इसने ही ब्रह्मनी सल्टनेट को एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ये दे दिया था गोलकुंडा फोर्ट। उसके बाद कुतुबशाही डायनेस्टी आई, ठीक है, उसके बाद ये कुतुबशाही डायनेस्टी को औरंगज़ेब ने ख़त्म किया, और ये औरंगज़ेब के अंडर में आ गया पूरा एरिया। अब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार बेसिकली एक जियो फिजिकल मेथड है, जो कि रडार पल्स यूज़ करता है सब सरफेस की इमेज को लाने के लिए। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, रॉक, सॉइल, आइस, इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए खजुराहो टेम्पल चंदेला डायनेस्टी के रूलर जैन, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। नागर स्टाइल आर्किटेक्चर है, और सैंडस्टोन से बना हुआ है। जो लार्जेस्ट टेम्पल यहाँ पे है वो कंदरिया महादेव जी का है। इसके जो शिखर है उसके ऊपर अमालक है सबसे ऊपर, और उसके अमालक के भी ऊपर क्या है, कलश, जो पॉट। अब देखिए इसका मेंशन जो खजुराहो टेम्पल का, अबू रिहान अल बरूनी ने भी किया है, उसके अलावा इब्न बतूता ने भी किया है, और ये हिंदुज़म और जैनिज़्म के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। बात में कोणार्क के सूर्य मंदिर पे, देखिए इंडियन ऑयल जो फाउंडेशन है वो डेवलप कर रहा है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सेंटर और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, कहाँ पे, कोणार्क सूर्य मंदिर में। ये बेसिकली एक चैरियट है सन गॉड का, जो कि जिसमें जो है कई सारे व्हील्स का, मतलब एक वो है रथ है जिसे 7 घोड़े जो हैं वो लेकर दौड़ा रहे हैं। कोणार्क का मतलब, देखिए कोणार्क कहाँ से आया, कोना मतलब होता है कॉर्नर, और आर्क मतलब होता है सन, सूर्य, तो ये हो गया कोणार्क। ये किंग नरसिंह देव जो थे, नरसिंह देव फर्स्ट, उन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, और जो कि ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के थे। इसे सूर्य देवालय भी कहते हैं, इसे ब्लैक पकोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि जो है जो नेविगेटर थे, मतलब समुद्र से जो थे वो दूर से ही दिखता था, और एक डार्क कलर का था, काले कलर का था, इसलिए इसे ब्लैक पकोड़ा भी कहते हैं। इसी तरह जगन्नाथपुरी को आपके वाइट पकोड़ा कहते हैं, वाइट पकोड़ा जगन्नाथपुरी टेम्पल को। अब देखिए श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, इसे 2017 में जो है स्वच्छ आइकॉनिक क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस भी का दर्जा दिया गया था, मतलब इसे टॉप किया था उस लिस्ट में। ये वैगई रिवर के किनारे है और मदुरई में है। और देखिए जो मीनाक्षी जी हैं वो पार्वती का रूप माना गया, और सुंदरेश्वर जो है भगवान शिव को माना गया है। कटस राज धाम, देखिए पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान में है, और कटस राज धाम जो कि
लाहौर के पास है, यहाँ पे इंडिया के लोगों को इसने वीज़ा देना शुरू किया, वो भी ज़्यादा संख्या में। कटाक्ष से आया है शब्द किला कटाक्ष, इसका मतलब होता है टीयरफुल आई। ऐसा कहते हैं कि जब शंकर जी का जब वियोग हुआ था सती जी से, तो शंकर जी का आंसू यहाँ गिरा था, इसीलिए कटास राज धाम बना। द टीयर ड्रॉप ऑफ शिवा आफ्टर ही वेंडर ऑन द अर्थ आफ्टर डेथ ऑफ हिज वाइफ। शंकर जी का यहाँ पे आंसू गिरा, इसलिए यहाँ पे लेक बन गई। टाउन का नाम है कल्लर कहर, लाहौर से नज़दीकी है ये। पोटाहोर प्लेट्यू पंजाब प्रोविंस। अब देखिए पाकिस्तान ने अभी सिख पिलग्रिमेज जो है ननकाना साहब उसके लिए भी वीज़ा देना नंबर में शुरू किया है। इस तरह शादानी दरबार है। अब देखिए करतारपुर कॉरिडोर, ये बेसिकली जो है दरबार साहब है पाकिस्तान में, और बाबा डेरा बाबा नानक जो है गुरदासपुर पंजाब में। ये बेसिकली जो चार लाइन की यहाँ रोड बनेगी और सर्विस रोड बनेगी, और ये NHAI जो है वो बनाएगा और फंड करेगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट। कहा जाता है कि जो आपका दरबार साहब है गुरुद्वारा दरबार साहब जो कि करतारपुर में है, वहाँ पे जो है अपने जीवन के अंतिम 18 साल जो सिखों के जो पहले गुरु नानक देव जी ने गुजारे थे। देखिए रानी की वाव, जो अपना 100 रुपये का नया नोट आया है उसके पीछे क्या है, रानी की वाव जो क्वीन स्टेप वेल है, इसे जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया है। ये 11th सेंचुरी में बनी थी और क्वीन उद्यामती ने बनाई थी, जो कि सोलंकी डायनेस्टी की थी और अपने हस्बैंड भीम वन के मेमोरी में, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। जो पुराना 100 का नोट था उसके पीछे जो माउंटेन है ना, वो माउंट कंचनजंगा है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट साइट म्यूजियम एट ललितगिरी, देखिए कटक डिस्ट्रिक्ट में आपके तीसरा म्यूजियम बन रहा है भुवनेश्वर सर्कल का, रत्नागिरी और कोणार्क में ऑलरेडी है। जो तांत्रिक बुद्धिज़्म के जो डायमंड ट्रायंगल है, रत्नागिरी उदयगिरी और ललितगिरी, ये ध्यान रखिएगा, ये पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं। रत्नागिरी उदयगिरी और ललितगिरी ये तीनों जो हैं आपके डायमंड ट्रायंगल के पार्ट हैं, जो कि तांत्रिक बुद्धिज़्म के हैं, और ये सब कटक डिस्ट्रिक्ट। अब मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देखिए आजकल लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है 6 नए स्ट्रक्चर को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है, तो इस समय ये पता चलता है कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन देता है, वो देता है ASI, और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे UP में है, सबसे बड़ा भी UP ही है पॉपुलेशन वाइज, और मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देख ली जाए, और कर्नाटक जो उसमें 2nd नंबर पे है। तो साउथ इंडिया में सबसे टॉप किस कौन करेगा, कर्नाटक, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें 2nd नंबर पे तमिलनाडु। तो जो 8-6 मॉन्यूमेंट हैं जिनको दिया गया है नेशनल इंपॉर्टेंस का, उसमें देखिए ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग है महाराष्ट्र की, हवेली ऑफ आगा खां आगरा, हवेली ऑफ हाथी खां आगरा, निमराना बावरी जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और रानीपुर झरई उड़ीसा बोलंगी डिस्ट्रिक्ट के टेंपल हैं, और विष्णु टेंपल पिथौरागढ़ उत्तराखंड। देखिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 के लिए जो रियो डी जेनेरियो को घोषित किया गया है। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर है वो कि जो कि आपकी फाउंड हुई थी स्विट्जरलैंड में 1948 में, इसका सेक्रेटेरिएट जो वो पेरिस में है, और ये जो कॉन्फ्रेंस जो होती है वो 3 साल में एक बार होती है। जो 2020 में जो रियो में कांग्रेस होगी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट की, उसकी थीम जो होगी ऑल द वर्ल्ड जस्ट वन वर्ल्ड, हर 3 साल पे होता है। देखिए पंज तीर्थ जो हिंदू की रिलीजियस साइट है वहाँ पे पाकिस्तान में, उसे पाकिस्तान ने नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया है। अब वहाँ पे कोई भी अगर हानि पहुँचाता है उसे 20 लाख रुपये तक का फाइन और 5 साल तक की जेल हो जाएगी। ये पंज तीर्थ जो है वो 1000 साल पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट है। हस्तनागिरी क्योंकि खैबर पख्तूनवा रीजन में है। देखिए ये पंज तीर्थ मतलब पाँच और तीर्थ मतलब होली प्लेस कह सकते हैं, तो यहाँ 5 पूल हैं वाटर के, और एक टेंपल भी है जो कि तीर्थ को होली वाटर कहते हैं हिंदू स्क्रिप्ट के अनुसार। ऐसी ही मान्यता है कि पांडु जो थे, जो पांडवों के पिता थे महाभारत वाले, वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पे नहाते थे कार्तिक के महीने में। तो इसे अफगान की जब दुर्रानी डायनेस्टी रूल किया तो इसने डैमेज कर दिया इस तीर्थ को, बाद में जब सिख किंगडम स्थापित हुआ तो लोकल हिंदुओं राजाओं ने इसे मरम्मत करवाई। अब पेंटिंग देख लेते हैं।
देखिए मधुबनी जो रेलवे स्टेशन है उसे पूरा सजा दिया गया है मिथिला पेंटिंग से। मिथिला पेंटिंग पे हमारा एक वीडियो आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये मिथिला रीजन की पेंटिंग है। मधुबनी का मतलब होता है फॉरेस्ट या हनी। और अभी तो जापान की गवर्नमेंट ने ही इंडिया की गवर्नमेंट से बोला है कि आप जो है मिथिला पेंटिंग के कुछ कल हमारे यहाँ भेजिए, हमें भी अपनी ट्रेन जो है ऐसे सजानी है। और ये जो मधुबनी का जो रेलवे स्टेशन जो है सजाया था वो आर्टिस्टों ने वॉलंटरी मतलब बिना पैसे के किया है। इस पर हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। इसका जो प्रकार है भरनी, तांत्रिक, कछनी, गोदना, कोहबर, ये सब इसके प्रकार हैं। आप जो है मंजूषा पेंटिंग पे भी हमने वीडियो बना रखा है, वो भी देख लीजिए। इसके अलावा एक पटना कलम पेंटिंग है जिसे कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बोलते हैं। पटना कलम मधुबनी और मंजूषा इन तीनों पर हमने वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए। आते हैं थंजावर पेंटिंग। देखिए थंजावर पेंटिंग जो अपने गोल्ड के लिए फेमस हैं। अब ये पता लगाना है कि वो असली है कि नकली है, तो इसके लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाएगा। देखिए ये साउथ इंडिया में हैं और जो नायक थे थंजावर के, जो कि आपके विजयनगर अम्पायर के फ्यूडरेटरी थे, विजयनगर अम्पायर के अंडर जो थे नायक रूलर थे थंजावर के, उन्होंने ये पेंटिंग शुरू की थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये मराठा कोर्ट में ओरिजिन हुआ था इसका, इनकी स्पेशलिटी है। देखिए इसमें डक्कनी, विजयनगर, मराठा, यूरोपियन कंपनी स्टाइल पेंटिंग सबका इन्फ्लुएंस दिखता है। और इसमें जो है देखिए मेजर जो पेंटिंग है वो हिंदू गॉड गॉडेस की हैं, लेकिन इसके अलावा जैन, मुस्लिम, अदर रिलीजन और सेकुलर सब्जेक्ट भी हैं इसमें। देखिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, जो कि इन्फॉर्मेशन देती है मॉलिकुलर वाइब्रेशन का और उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ये है आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट के लिए रमन जी को नोबेल प्राइज़ मिला था। किस दिन उन्होंने रमन स्कैटरिंग इफेक्ट डिस्कवर किया था, उसी दिन हम लोग कौन सा डे बनाता है आप कमेंट करके बताएं। देखिए बागरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग, ये हैंड ब्लॉक पेंटिंग है और ये छिप्पा कम्युनिटी बनाती है, ये राजस्थान में है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। कलमकारी देखिए ये पेडन रीजन है, पेडन डिस्ट्रिक्ट वहाँ आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे कलमकारी आर्ट का म्यूज़ियम बना है। कलमकारी का लिटरल मीनिंग होता है पेन क्राफ्ट, कलम मतलब पेन, कारी मतलब आर्ट। देखिए यहाँ पे केवल नेचुरल कलर या वेजिटेबल डाई ही यूज़ होता है और ये आंध्र प्रदेश में ही कंसंट्रेटेड है, कलाहस्ती और मछलीपट्टनम रीजन में। देखिए इसकी दो स्टाइल हैं, श्रीकलीहस्ता और मछलीपट्टनम स्टाइल। अंतर यह है कि जो श्रीकलीहस्ता है वो फ्री हैंड ड्राइंग है। देखिए ठोलू बोम लट्टा, जो ठोलू बोम लट्टा है बेसिकली शेडो पपेट्री है।